यदि आप भी झारखंड से बाहर कहीं फंसे हुए हैं तो आपके लिए झारखंड सरकार ने पंजीकरण की व्यवस्था की है। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया। प्रवासी मजदूरों के झारखंड वापसी का रास्ता और आसान कर दिया गया है। उनके लौटने के लिए झारखंड सरकार ने एक लिंक उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के झारखंड वापसी के लिए हमने पंजीकरण की व्यवस्था की है। सरकार फंसे लोगों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र प्रवासी मजदूर व अन्य लोगों के लिए है। इच्छुक लोग दिए गए लिंक झारखंडप्रवासी.in के माध्यम से निबंधन कर सकते हैं। यह लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाहर फंसे हुए मजदूरों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे झारखंड आने के लिए किससे संपर्क करें या किसके पास गुहार लगाएं। उनके पास कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं था जहां जानकारी देकर वे अपनी बात बयां कर सकें। अब हेमंत सरकार ने पंजीकरण की व्यवस्था करके उन सब के लिए वापसी का रास्ता आसान कर दिया है। मजदूर अब ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे सब नियमित भी हो जाएगा कि किस खेप में कितने मजदूरों को लाया जाएगा। इससे मजदूरों में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए